वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं हाउजा का TZ 4000 एम्पलीफायर, जो कि है 200+200 वाट का है। ये डबल जोन एम्पलीफायर है, एक जोन में 200 वाट और दूसरे जोन में 200 वाट करके देता है। तो इसमें आप चाहे तो 450 SRX जो होता है ना हाउजा का, तो वो आप लगा सकते हैं एक चैनल में। तो आज हम इसका भी साउंड टेस्ट करेंगे 400 वाट प्लस 400 वाट लगा के। एम्पलीफायर है टोटल 400 वाट का, लेकिन हम इसमें लोड देंगे आज 800 वाट का। तो गाइस, ये एम्पलीफायर देखने में बहुत हैवी है और बहुत बड़ा भी है, मैसिव है, क्योंकि ये टू जोन एम्पलीफायर है। और फ्रेंड्स, इसमें दो आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया गया है और एक मेन ट्रांसफार्मर लगाया गया है। तो इसमें टोटल मिला के 3 ट्रांसफार्मर हो गया है। तो ये तीनों मिल के ये एम्पलीफायर बहुत भारी हो जाता है, तो देखने में भी काफ़ी शानदार है। और इसमें सारी खूबियाँ, सारी फैसिलिटी है। इसमें 24 वोल्ट DC से भी ऑपरेशन होता है। और स्पीकर के लिए आपने देखा ही होगा, कॉमन 4 ओम और 8 ओम का है, और हॉर्न के लिए तो है ही। तो गाइस, इसमें हमने 400 वाट के तो 2 कॉलम लगा रखा है। ये पे देखिए, पूरा सील को सील किया गया है ताकि इसका जो लाइफ है बने रहे, डबल लाइफ बन जाती है इसे पैकिंग करने से। अगर कहीं गिर भी गया तो गाइस ये कुछ नहीं होगा। ये एक बार गाड़ी के ऊपर से भी गिर गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए इसका एम्पलीफायर ऑन करते हैं। एम्पलीफायर ऑन करके कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं और उसका देखते हैं साउंड टेस्ट कैसा होता है। तो कैसे एम्पलीफायर आपको 28,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, उनका वेबसाइट है, अमेज़न पे भी शायद अवेलेबल हो सकता है। तो चलिए, म्यूज़िक प्ले किया है और वॉल्यूम को आप करते हैं और साउंड टेस्ट का मज़ा लीजिएगा। और गाइस, हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप माइक पे गाना सुन रहे हो। तो हेडफोन का यूज़ कीजिएगा। Thank you.
तो गाइस यही था साउंड टेस्टिंग। और गाइस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी चैनल पे ऐसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे।